Hello guys, welcome to Manual Education. So all the MBA CET aspirants update आ गई है about the provisional merit list. अपडेट रिलीज हो गई थी गाइस सैटरडे को लेट इवनिंग में. सो यस विल टॉक अबाउट दिस अपडेट अबाउट द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. विल ऑल्सो चेक आउट ऑन द शेड्यूल, क्या डेडलाइन मिली है ग्रीवियंस लास्ट अपडेट करने के लिए एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, हम उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं. सो ऑल यू हैव टू डू इज विजिट सी ई टी सेल वेबसाइट, क्लिक ऑन एम बी ए टैब एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन सिस्टम्स के नीचे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट. सो दो अलग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है. इसके अलावा अगर आपको आपकी प्रोविजनल मेरिट देखनी है सो आप यहाँ पर आके देख सकते हो इंपॉर्टेंट लिंक्स के नीचे प्रोविजनल मेरिट डिस्प्ले. सो ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक हियर, आपको आपका एप्लीकेशन आई डी एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है एंड देन आपको प्रोविजनल मेरिट डिस्प्ले हो जाएगा कुछ इस तरह से. तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स दे सकते हो, योर नेम, योर जेंडर, कैंडिडेट टाइप, कैटेगरी में अगर आप आते हो तो कैटेगरी की डिटेल्स यहाँ देख सकते हो, आपका एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आपकी होम यूनिवर्सिटी एंड अदर कैटेगरीज इन्फॉर्मेशन एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस आप आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी यहाँ देख सकते हो. सो आपको बेसिकली चेक करना है कि यहाँ पे कोई एरर है या नहीं एंड इफ़ यू फाइंड एनी एरर, आपने अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की अपडेट में सो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो और उसकी डेडलाइन क्या है, आप उसको ग्रीवियंस में भी सबमिट कर सकते हो तो वो भी हम देख लेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके एमबीए एग्जामिनेशन के यहाँ पे डिटेल्स भी आ जाएगी एमबीए सीटी एग्जामिनेशन की एंड यहाँ पे जो आपका ऑल इंडिया मेरिट स्कोर है उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको आपका प्रोविजनल मेरिट स्टेटस भी दिख जाएगा जो कि ऑल इंडिया मेरिट नंबर है, स्टेट जनरल मेरिट नंबर, स्टेट जनरल कैटेगरी मेरिट नंबर एंड होम यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर. सो ये सब कुछ चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी. बट अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट हो तो आपको आपके लिए स्टेट जनरल मेरिट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो सो आपके लिए ऑल इंडिया मेरिट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यस आप कुछ इस तरीके से आपकी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो एंड यहाँ पर अगर आपने किसी भी तरह की आप मिस्टेक आइडेंटिफाई कर रहे हो सो डेफिनेटली आप उसको ग्रीवियंस के लिए सबमिट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस आप आपकी डिटेल्स यहाँ से भी चेक कर सकते हो एंड यहाँ पे अगेन कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू विल सी दिस डॉलर साइन तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपको आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पे कहीं भी आपको अगर ये सिम्बल्स दिख रहे हैं दैट मीन्स आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डेडलाइन से पहले पहले सबमिट करने हैं. सो इफ़ यू सी दिस डॉलर साइन दैट मीन्स आपने कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट की रिसिप्ट अपलोड की है बट आपको इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड इफ़ यू सी दिस हैश टैग सिम्बल सो दैट इंडिकेट्स दैट यू हैव अपलोडेड द रिसिप्ट ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट. सो इसका भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है आपको डेडलाइन से पहले एंड इफ़ यू सी दैट एट द रेट सिम्बल्स दैट मीन्स यू हैव अपलोडेड द ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट. सो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि है ओरिजिनल सबमिट करने हैं डेडलाइन से पहले. सो वो सारी चीज़ें आपको शेड्यूल में दिख जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो, कंट्रोल एफ करके ऑल कैन फाइंड योर नेम एंड यहाँ पर सिमिलर डिटेल्स दी गई है जो कि है आपका एप्लीकेशन आई डी. यहाँ पर आपको आपका स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर भी देखने को मिल जाएगा, ये इसका फुल फॉर्म है. यहाँ पर कैंडिडेट नेम, जेंडर, आपकी होम यूनिवर्सिटी, कैंडिडेट टाइप, आपका पर्सेंटाइल एंड बाकी सारी जो क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स आपने मेंशन करी है आपको यहाँ पे दिख जाएगी. आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो एंड एन एंड वाई का मतलब है दैट येस एंड नो. सो इफ़ यू आर अ पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट सो यहाँ पे आपको नो दिख जाएगा, मीन्स एन दिख जाएगा अगर आपने सेलेक्ट किया है. अगर आपने टी डब्ल्यू एस के लिए, टी एफ डब्ल्यू एस के लिए अप्लाई किया है सो अगर आपने येस किया है तो आपको यहाँ येस दिख जाएगा एंड नो किया है तो आपको यहाँ एन दिख जाएगा. उसके अलावा जो भी बाकी सारे शॉर्ट फॉर्म्स आप देख रहे हो उसका फुल फॉर्म क्या है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो सो दैट यू ऑल कैन ईजिली अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड यही अपडेट है गाइस अबाउट द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. आप आपकी डिटेल्स यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो इस पर्टिकुलर लिस्ट से एंड देन यू ऑल कैन चेक इफ़ कोई डिस्क्रिपेंसी या एरर है या नहीं.
एंड यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो माइनॉरिटी टाइप में भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ किया गया है. सो येस डेफिनेटली ये शॉर्ट फॉर्म्स आप यहाँ से समझ सकते हो. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो RMG मीन्स रिलीजियस माइनॉरिटी, जैन RMM मीन्स रिलीजियस माइनॉरिटी मुस्लिम. सो अकॉर्डिंगली ऑल कैन चेक द फुल फॉर्म्स एंड देख लो अगर कोई एरर है आप उसको फिक्स करना है सो दैट यू ऑल कैन ईजिली सबमिट ग्रीवियंसिस फॉर दैट एंड बाद में जो भी एरर्स है वो रेक्टिफाई हो जाएंगे. सिमिलरली आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट जो कैंडिडेट है, जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स है, उनके लिए भी सिमिलर लिस्ट आउट हुई है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. सो अगेन आपके लिए भी सेम डिटेल्स है, आपको बस चेक करना है डेट कोई एरर है या नहीं एंड अकॉर्डिंगली आपको जो भी एरर्स है वो रेक्टिफाई करवाने हैं, ग्रीवियंस सबमिट करना है. एंड अगर आपने ऑफलाइन फैसिलिटेशन सेंटर चूज़ किया है सो आपको फैसिलिटेशन सेंटर पर जाकर ये डिटेल्स वेरीफाई करवानी होगी. अब इसका शेड्यूल देख लेते हैं कि डेडलाइन हमें क्या मिली है. सो डेडलाइन देखने के लिए गाइस यू विल हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इंपॉर्टेंट डेट्स. वंस यू विल क्लिक ऑन इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट, जो कि आउट हो गई थी 22 जुलाई 2023. अब यहाँ पे दिखा रहा है सबमिशन ऑफ ग्रीवियंसिस इफ एनी फॉर ऑल कैंडिडेट टाइप. अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो और ऑल इंडिया कैंडिडेट हो सो आपके लिए ये अपडेट है एंड डेट्स भी सिमिलर है दोनों भी कैंडिडेट्स के लिए. सो 23rd of July 2023 टिल 25th of July 2023 अप टू 5 PM. सो दिस इज़ योर डेडलाइन ग्रीवियंस सबमिट करने के लिए. सो येस यू ऑल कैन रेज द ग्रीवियंस अबाउट करेक्शन रिक्वायर्ड इन द डेटा जो भी आपको डिस्प्ले हो रहा है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में. अगर वहाँ पे आपको कोई करेक्शन करवाना है सो येस आपको ग्रीवियंस रेज करना है. एंड इसका जो रिवर्ट होगा सो आपको आपके कैंडिडेट पोर्टल पे मिल जाएगा. आपको सिर्फ लॉग इन करके चेक करना है रेक्टिफिकेशन के लिए. और अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन एरर है सो येस आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो. एंड जो भी स्टेटस होगा आपके एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का, ग्रीवियंस जो आपने रेस की है वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट की हुई है, वो उसका स्टेटस भी आप आपके कैंडिडेट लॉगिन में देख सकते हो आपकी रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट के साथ. एंड जो भी स्टूडेंट्स ने फिजिकल स्क्रूटनी सेलेक्ट किया है उन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेशन सेंटर जाके अपने ग्रीवियंसेस रिजॉल्व करने हैं. सो यस ये थी अपडेट अबाउट द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ दीज डेट्स. एंड इसके पहले आप अपना डॉक्यूमेंटेशन एरर या करेक्शन है उसको फिक्स कर लो. एंड ऐसे ही अपडेट रिलेटेड वीडियोस के लिए मेक श्योर सब्सक्राइब मेन्यूवर MBA एंट्रेंस चैनल. एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मेन्यूवर एजुकेशन मेक श्योर सब्सक्राइब मेन्यूवर MBA एंट्रेंस चैनल, लिंक फॉर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ऐसे ही हम और भी अपडेट्स कवर करने वाले हैं सो स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू द कैप राउंड प्रोसेस टू दिस चैनल बिकॉज यहाँ पे हम बहुत सारे डेली अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाले हैं. सो येस दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो.